दिल्ली के बी के शोरूम की घटना है एक चौधरी साहब गए अरे नकल मत करो ना यार फालतू तो की नकल मत करो नकल मत करो कि जो मिले वो ही सही जिधर जाए उधर ही सही जिस आदमी के पास दुनिया में गुरु और मेंटोर है वो कभी मात नहीं खाएगा बोरो मुंह से बोलो उधार लेना।, बार लेना।, बार लेना।, बार लेना बोलो ना बार लेना। बार लेना। बार लेना। अब रोकड़ा उधार नहीं लेना कभी कभी कुछ शब्द ऐसे जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनके अर्थ और भावार्थ में ध्यान रखना उधार लेना मतलब जो चीज जो व्यक्ति किसी भी चीज़ की नकल नहीं करना चाहते वो कुछ भी नया पैदा कर नहीं सकते दोबारा 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 आनंद लेते हैं जो किसी भी चीज़ की नकल नहीं करना चाहते अरे नकल मत करो अरे यार फालतू तो की नकल मत करो नकल मत करो ज्ञानी धरती पे सब कुछ ही पुराने से नए में कन्वर्ट हुआ है कैसे बचे रहोगे इस दुनिया में जो इंसान नकल नहीं कर सकता वो नया निर्माण नहीं कर सकता कर ही नहीं सकता क्यों इससे क्या होगा आप 800 करोड़ लोग क्या सकल एक सी है क्या अकल एक सी है विषमता है इसका मतलब जब भी जीवन में नकल भी करोगे तो भी आपका इनपुट उसमें आए बिना रहेगा नहीं आपकी वाणी आपका जेस्चर पोस्चर बॉडी लैंग्वेज ये सब आएगा ही आएगा इसलिए हमेशा ध्यान रखना जो किसी भी चीज़ की नकल नहीं करना चाहते वो जीवन में नया कर ही नहीं सकते आज जो भी आप देख रहे हो वो सब किसी न किसी के दिमाग में पहले सोचा गया है किया गया है उसको आप अपने जीवन के अनुभवों से और लेवरेज कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो जो टेक्निक्स मैंने बताई उन टेक्निक्स में आप अपना अनुभव लगाओ तो और आगे ले जा सकते हो लेकिन मूल में क्या है बनना है जो तो बन गए जो उनसे जीवन की चीज़ों को उधार ले लो बनना है एक अच्छा स्पीकर दुनिया के स्पीकर्स को सुनने लग जाओ बनना है सेंग्विन टेंडेंसी तो सेंग्विन टेंडेंसी के लोगों को सुनने लग जाओ उनको पढ़ने लग जाओ मिलने लग जाओ उनको महसूस करने लग जाओ जब जब जीवन में आप जो चीज पाना चाहते हो वो जिसमें इनबिल्ड है उससे ले लोगे तो छोटे नहीं होगे तो छोटे नहीं बनोगे और अच्छा है कि जब आप जीवन में किसी से कुछ लेते हैं तो आपका अहंकार नीचे रहता है देते समय अहंकार ऊंचा रहता है तो लेने वाला आदमी कृतज्ञ रहता है भाई तो कृतज्ञता कैसे होगी आपको कुछ चीजें उधार लेनी होगी और वो उधार कैसे ली जाएगी कोट द एक्सपर्ट्स फ्रीली विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से द्वत करें जहां से दुनिया में जहां से जो सीखने को मिला है उसके बारे में लोगों को बताएं मुझे यहां से सीखने को मिला है और वहां के डायलॉग वहां के वाक्यांश वहां के नॉलेज वहां के सिद्धांत वहां के प्रिंसिपल्स अपने जीवन पर लागू करें और मार्केट में प्रयोग करें आपको कहीं ईमानदारी का कोई उदाहरण मिलता है जीवन पे प्रयोग करो और बताओ कि मैंने जिंदगी में उस आदमी से ये सीखा मैंने उस व्यक्ति से ये लेसन लिया मैंने जीवन में ये चीज़ वहाँ से सीखी क्योंकि ये प्रकृति बहुत सजग है जो इंसान जो चाहता है उसकी चाहत पूरी करने के लिए रास्ते में बहुत सारी चीज़ें संकेतों के रूप में भेजती है हर चीज़ का कारण है आप जब विशेषज्ञों को और एक्सपर्ट्स को अपने जीवन पर किसी न किसी रूप में उनका असर लेते हो माँ कसम कुछ भारी होता है कितने लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बापू होना है ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहता हूं दुनिया के उन स्पीकर्स को सुनो उन बहस को सुनो उन चर्चाओं को सुनो जो एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं तो जब ये नेताओं की चर्चाएं होती है ना एक दूसरे पे काउंटर मारते हैं सुना करो आप सुना करो ऐसे लोगों को जिनकी हाजिर जवाबी वर्ल्ड फेमस है जैसे कुमार विश्वास वर्ल्ड फेमस है हाजिर जवाबी में ऐसे लोगों को सुना करो उन स्पीकर्स को उन किताबों को उन राइटर्स को ऐसे लोगों की संगत से जीवन नेक्स्ट लेवल पे जाता है जब आप विशेषज्ञों को आप देखो जब आप बाल कटाते हो एक्सपर्ट के पास जाते हो कपड़े सिलाते हो एक्सपर्ट के पास जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो एक्सपर्ट के पास जाते हो लेकिन आज तक ये नहीं सोचा जीवन बना रहे हैं जीवन निर्माण कर रहे हैं किस एक्सपर्ट के पास जाएं कि जो मिले वो ही सही जिधर जाएं उधर ही सही कहीं चौराहे पे बैठे थे चार लोग कह रहे थे आजा तुझे गधा बनाऊं वहां से ज्ञान लेके आ गए और अब सेल्स में लगा रहे हो नहीं भाई जब दुनिया की हर चीज आपको एक्सपर्ट से चाहिए तो अब आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी विशेषज्ञों के एग्जाम्पल्स लेने होंगे जो आपका आइडियल करता है जिससे रिलेट करते हो वो करता है वो ही करो उनके जीवन में जो घटा है वो आपके साथ घटाओ आप बहुत आगे जाओगे अपने जीवन के उदाहरणों को उन लोगों के जीवन से जोड़ो जिन्होंने प्रकृति को कुछ दिया है विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से अपने भीतर इंस्टॉल करो आपको जिस फील्ड में आपसे प्रस्पेक्टिंग नहीं होती लिस्ट कमजोर होती जा रही है तो कमज़ोर लिस्ट को मजबूत करने के लिए आपको अपना स्माइलिंग फेस और शुरुआती कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होंगी जिससे नया सर्किल जनरेट हो जाए आप जब इनविटेशन देते हो तो आपकी आवाज़ में थोड़ी सी लचक आ जाती है डर आ जाता है इनविटेशन को स्क्रिप्ट बनाने के लिए कुछ जबरदस्त विशेषज्ञों को सुनो देखो सुनो देखो जब प्रेजेंटेशन देते हो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाए तो देखो सुनो उन लोगों को जिन्होंने वहां मास्टरी हासिल की है पैसा निकालते टाइम डर लगता है मांगते टाइम झिझक होती है उन दुनिया के सारे लोगों से सीखो जो पैसा निकालने में मास्टर हैं विशेषज्ञों को जीवन पे अप्लाई करो उनकी मानो उनकी सुनो केवल बापू बन के मत घूमो हर बार जीवन में कुछ अधूरा रह जाए तो पूछो पूछो भाई पूछो एग्जाम्पल देता हूं दिल्ली के बी शोरूम की घटना है दिल्ली के बीएमडब्ल्यू के शोरूम की घटना है एक चौधरी साहब गए बीएमडब्ल्यू खरीदने अब चौधरी साहब गए होंगे तो कुछ तो छाप छोड़ के आएंगे है कि नहीं उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी सारे काम पूरे कर दिए उन्होंने कहा था कि पेमेंट कैसे देंगे कैश ओके okay. तो कैश की बात होती है ना तब तो दर दर, दर, दर सब फॉर्मेलिटीज हो जाती है लोन वाले में लगता है टाइम तो सारी कागजी कार्रवाई कर दी कि सर वो पेमेंट कि वो पिकअप में रखा है उतार लो तो जाके पिकअप खोली तो उसमें कट्टे भरे थे तो कि ये क्या है ये है। तो खोल के देखा तो उसमें सिक्के थे सिक्के थे तो जो बेचारा सेल्स पर्सन था वो पूरा पहले क्षण में धैर्य खो दिया जबकि गुरु का ये सीधा संदेश होता है पहली तुरंत धैर्य मत खो भाई पहले धैर्य मत खो, तो उसने कहा सिक्के भाई साहब ये कौन लेगा मरवाओगे लेने पड़ेंगे लेने पड़ेंगे तो वो गया और अपने बोस को बोला अरे सर कोई जबरदस्त आदमी आ गया सिक्के लेके आए पूरी पिकअप भर के लेके आए सिक्के में लूंगा क्या अब वो भी हिल गया कि हैं सिक्के उसने अपने बोस को फोन किया और वो बोस बापू था क्योंकि वो जानता था जीएम कि कोई आरबीआई का आदमी भी आ सकता है साथ में जांच करने भी आ सकता है मना तुम भारतीय मुद्रा को कर नहीं सकते हो तो उसने कहा अब क्या मेंटोर के पास पहुंच गए अभी अब ये सही जगह पहुंच गए अब उन्होंने बोला तूने पहला रिएक्शन क्या दिया कि मैं बिदक गया सर मैं थोड़ी लेता मूर्ख मना नहीं करते हैं। सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं एक तो पिकअप लाए हैं दूसरा सिक्के लाए हैं तीसरा वो चौधरी जी हैं वो तेरे काबू में नहीं आएंगे सवाल पूछने चाहिए कि सर क्या करूं पहले आ जाता अब गाइड करता हूं वैसे कर सबसे पहले तू तो तेरे को दो तीन सवाल दे रहा हूं तब तक मैं भी अपने गुरु से पूछ लेता हूं कि करना क्या है क्योंकि वो उन्होंने मेल कर दिया था जर्मनी में और जर्मनी में जब जब कोई मेल चली जाती है भारत से तो बी हो चाहे मर्सडीज़ हो ये कंपनियाँ फिर उस केस को हल्का नहीं लेती है फिर उसकी तय तक जाती है तो उसने पूछा कि तू जाके ये पूछ अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है कट्टे कितने हैं ये पूछ दूसरा ये पूछ कितने कितने रुपए के सिक्के कितने कितने हैं ये पूछ ताकि उनको भी समझ में आए थोड़ा टाइम लगे ताकि हमें भी टाइम मिल जाए जाके पूछा सर कट्टे कितने गिन लो मैं तो गिन के नहीं आया तुम गिन लो कितने अच्छा सर कोई बात नहीं सिक्के कौन से रुपए के कितने हैं ये तो आपको पता मैं सब भेड़े करके लाया हूँ ऐसे मिला के लाया हूँ चूरमा बना के लाया हूँ तुम्हें देखना है जो करना है कर लो तुम तुम्हारा ओरिजिनल केस की घटना है ऊपर तक बात गई उन्होंने वही गलती की जो क्योंकि जर्मनी वाले समझ नहीं पाए दो तीन दिन लग गए उन्होंने वही गलती की पैसा तो लिया ही लिया गलती उन्होंने वो ही की जो शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में हो रहा है जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हो रहा है उन्होंने भी वही किया दस आदमी लगा दिए अरे गिनो साढ़ो वो गिनो गिनो तिरुपति में गिना जा रहा है चौथी पीढ़ी गिन रही है शिरडी में गिना जा रहा है और बी के शोरूम पर भी गिनाया जा रहा था तीन दिन बाद समझ में आई उनको क्योंकि वो कैश को कैश समझ रहे थे उनको समझ में आया कोईन ले आ गया सिक्के लेके आया और कुछ पता नहीं है तीन दिन बाद रिसर्च कमेटी बिठा दी बीएमडब्ल्यू ने और फिर वो किया जो दुनिया के लिए लेसन है पूरी दुनिया को लेसन सिखाया बीएमडब्ल्यू ने उसने कहा आज के बाद कभी गिनना मत कभी गिनना मत और उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है जो आज तक गुरु के बिना तिरुपति वाले को समझ में नहीं आ रहा अब मैं आपसे पूछता हूं गिनते नहीं तो क्या करते तोल लेते तो के लिए भी गिलना पड़ता थोड़ा थोड़ा गहरे से बताओ क्या करते अलग अलग करते और अट्ठारह कट्टों को अलग अलग ही तो कैसे करेंगे यही तो सवाल है ओ, बोरे वो बोरे भरे हैं तिरुपति वो कैसे करेंगे आप लोग नजदीक आ गए डेमो दिखा दू डेमो दिखा दू आसान नहीं है मल्टीप्लाई कैसे करते सबको छांटना तो पड़ता ना अरे भाई साम आप पता है सब आंसर दे लेकिन ये पता नहीं है। कैसे ये था आंसर। तो ये एक अनार के बगीचे में आंसर मिला जर्मनी में बीएमडब्ल्यू को कि अनार को कैसे हैं अनार को छांटने के लिए ऐसी दो रेखाएं होती है वो यूं आगे का मुंह सकड़ा और यूं आगे जाती है अब यहां से अनार डालते हैं छोटी अनार यहीं गिर जाती है बड़ी अनार वहां जाके गिरती है जहां गिरना चाहिए जिस साइज़ की अनार वहां जाके गिरती है नीचे ट्रे लगी रहती है शोटिंग हो जाती है ऐसे उन्होंने सिक्कों की कोइन की शेप की शोटिंग कर ली डालते गए और थोड़ी सी देर में निकाल के दे दिया इतने के सिक्कों में इतना वो होता है शोटिंग करते चले जाओ बी ने ये शोटिंग और आज तक जिनके पास गुरु नहीं है वो आज तक नहीं समझे और लेबर लगा रखिए गिणो भाई जिस आदमी के पास दुनिया में गुरु और मेंटोर है वो कभी मात नहीं खाएगा इसलिए जिंदगी भर अपने निर्णय अकेले मत लो एक्सपर्ट को शामिल करो आप बहुत आगे जाओगे एक पांचवी क्लास का बच्चा भी ये बना सकता है कि नहीं बना सकता है कि नहीं लेकिन वो एक्सपर्ट की सलाह लेवे तब है आपको जीवन में एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी जिससे जीवन के निर्णय सही ले सको